back uh, in the days when i was doing my bachelor's but uh, uh, alhamdulillah it was your videos and your lectures uh, that uh, brought me back to my religion and uh, brought my spirituality back to me and my faith back to me so alhamdulillah for that and thank you for coming to my country and especially my city you've been a and uh, you are my um, i'm actually shaking right now i'm so sorry you're um, okay so the question is um, it, uh, pardon me if I say anything wrong because uh, my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your um, lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is that uh, this, this concept of predestination, and then there is this one concept of uh, us human beings and Janath um, having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है आपको अगर सब कुछ प्री डेस्टेंड है तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्रीविल के हिसाब से बहन ने एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो इसी के जाल में फंस गई थी और मेरे कसर सुनने के बाद अलहमदुल्ल वो वापस दीन की तरफ रजू की और अल्लाह सुबहाना ताल हिदायत दी उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए बहुत मुश्किल है अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है लेकिन अल्लाह काफ़ी लोग को हिदायत दे रहा है आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी जहाँ तक ये सवाल है उनका सवाल है कदर के बारे में अबाउट डेस्टिनी कि अगर अल्लाह सुबहाना ने मेरे तकदीर में लिखा कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूँ तो कौन जिम्मेदार अल्लाह ये सवाल बहुत common है लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए क्या कोई फतवा ना दे दे मुझे मैं काफिर हूँ अल्लाह सुबहाना कुरान मजीद में इंसानों को एंगेज करते सवाल जवाब के लिए इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 333 बार 300 323 टाइम्स 323, 323 बार कहा गया है? कुल कालू इन इनोग ने कहा और तीन 323 बार अल्लाह कहते कुल उनसे कहो यानी कुरान मजीद की जो क्वेश्चन आंसर बुक है 323 टाइम्स पूछा गया ये क्या सवाल है अल्लाह बोलता है कुल कहो कुल उनने पूछा अल्लाह कौन है कुल वल्ला तो कुल जो है सवाल करना कोई बुरी बात नहीं लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं या हमारे ईमान है तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं तो कौन जिम्मेदार अल्लाह तो अगर लिखा है मेरे तकदीर में क्या मैं शराब पीऊँगा और मैं शराब पीता हूँ कौन जिम्मेदार अल्लाह ना इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानिए और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में पहले शुरू किया तो ये बहुत परेशान कर किसने पूछा नहीं मुझे अल्लाह की मदद है अल्लाह की मदद से जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं जवाब मिला फिर मैंने उलमा से पूछा सही है तो उन्हें बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है अब मैं अभी पेश करूंगा आपके सामने मैं मिसाल देता हूं कि अगर एक टीचर क्लासरूम में सौ बच्चे को पढ़ा रही है एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएंगा ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा ये बच्चा फेल होगा माफ़ करना आपको मिसाल बोल रहा हूं कल मिसाल आपके लिए और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है ये बच्चा सेकेंड क्लास ये बच्चा फेल होता है मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होगा इसलिए मैं फेल हो गया क्या वो बोल सकता है ऐसा हाँ क्या नहीं हाँ क्या नहीं नहीं टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियो है बराबर होमवर्क करता है जहीने ये बच्चा एवरेज है ये बच्चा हॉकी खेलता था क्लास में भी नहीं आता था पिक्चर देखता था ने देख के की। और टीचर अक्सर सही होती लेकिन इंसान गलती भी हो सकती इसी तरीके से अल्लाह सुबहाना वाल एक इंसान नहीं है अल्लाह के पास इलम गैब है अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले मिसाल के तौर तो है वो चार में से एक सड़क को चुन सकता है नंबर एक सड़क नंबर दो सड़क नंबर तीन नंबर चार वो चुनता है नंबर दो सड़क चॉइस किसकी चॉइस किसकी इंसान की हाँ क्या नहीं हाँ क्या नहीं लेकिन अल्लाह सुबाना उताल को इम गैब है कि पांच तारीख को अक्टूबर के रात को एक बजे सवा एक बजे ये चौराहे पे आएगा उसके पास चार चॉइस थे सड़क नंबर एक सड़क नंबर दो सड़क नंबर तीन सड़क नंबर सड़क नंबर दो चुनेगा तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान पांच अक्टूबर की रात को एक बजे सवा एक बजे सड़क नंबर दो पे चुनेगा तो सड़क नंबर दो किसने चुना अल्लाह ने या क्या इंसान ने अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना इंसान ने चुना तो कौन जिम्मेदार अल्लाह या इंसान अल्लाह या इंसान इंसान वो आगे जाता है और तीन सड़क आते है सड़क ए सड़क बी सड़क सी। वो चुनता है सड़क ए अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ये चुनेगा लिख देता है कौन जिम्मेदार इंसान अल्लाह जानते है कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है वो चीटिंग करके कमाता है अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए चीटिंग करके कमाए वो चीटिंग करके कमाएगा एडवांस में लिखते तो इससे हमें जाहिर होता है कि अल्लाह चुन रहा है कौन इंसान लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्मे गैब है तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं क्या वो इंसान ये गलत काम करेंगे ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है अल्लाह जानते हैं अल्लाह एडवांस में लिखते तो कौन जिम्मेदार इंसान गैब है और अल्लाह व ना कभी गलती नहीं करते अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया क्या आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से आप ईमानदारी से करते अल्लाह ताला लिख देते क्या ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा तो कौन जिम्मेदार इंसान एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है सही बात है मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामेशन में आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है आप जानते मैं फेल होने वाली हूं आप घर पे आके दुआ करते अल्लाह मुझे पास कर अल्लाह सुबह को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल हो अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे हाँ कि नहीं अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं अल्लाह दुआ दुआ कबूल कर लेता है तो तगजे में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है फेल होने वाली थी घर पे आके दुआ करती अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता है उसे पास कर लेता है तो हमें पता नहीं कि क्या होगा? तो दुआ करना अच्छी बात है इसीलिए इकबाल फरमाते खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है तो तकदीर का मतलब अल्लाह व सुबह ने आपको इख्तियार दिया है सौ फीसद नहीं 95 फाइव परसेंट नाइनटी मैं चाहता हूं मैं दुनिया को तबाह कर दू अल्लाह नहीं करेगा लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है आपके ऊपर फ्री विल है लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इन आप कुरान मजीद की जो तलीमत पे अमल करेंगे और इन आप जन्नत में जाएंगे। द आंसर क्वेश्चन